दोस्तों, आज हम लोग अल्फाबेटिक नंबर्स को याद रखने का बहुत ही आसान सा ट्रिक देखेंगे, जो कि आप एक बार देख लेंगे अंत तक तो 100% आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको 100% ये समझ में आएगा और इसके बाद आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे 100%। ये सबसे अलग ट्रिक है, मेरे खुद के द्वारा यह ट्रिक बनाया गया है, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ई तक लगभग सभी को याद होता है, ई तक यानी कि 5 तक हर किसी को याद होता है। लेकिन वही अगर एफ से बात करें तो एफ से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। एफ पर देखिए, एफ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एफ है ये, ठीक। अगर एफ को हम लोग उल्टा दें तो क्या हो जाता है, ये 6 की तरह हो जाता है, ठीक। अगर एफ को हम लोग उल्टी करके लिखें तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये 6 बन सकता है, ठीक। तो इससे हमें याद रखना होगा कि एफ को हम लोग 6 बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए, जी है, जी के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जी है, इसमें यहाँ पे हम लोग को एक 7 निकलता हुआ दिखाई देगा, ये 7, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जी का कितना है 7, जी है 7वें स्थान पर, यानी जी 7, ठीक। अब एच के बारे में देखते हैं, देखिए एच भी बहुत ही आसान है। अगर हम लोग चाहें यहाँ पर तो एच को इधर से अगर मिला दे और इधर से मिला दे तो ये क्या हो गया हमारा, 8 बन गया, तो एच हो गया 8, वेरी इजी। इसके बाद आई, आई देखिए, आई का हम लोग दो तरह से जानेंगे। आई को हम लोग सिंपल यहाँ से घुमा करके 9 याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, आई नो, आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, ठीक। तो आई नो यानी आई का 9, ठीक। अब है जे, जे में देखिए, इसमें ए यानी ई जे ओ टी वाई, इजोटी करके आपको एक फॉर्मूला आता है, ठीक। ई जे ओ टी वाई, जो कि 5-5 के अंतराल पर आता है, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक। तो जे हम लोग को इजोटी से याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र हर कोई बताता है, तो इससे हम सिर्फ 5 याद रखेंगे, 5, E5, J10, O15, T20, Y25, ठीक। अब देखिए, अब हमारा K है, अगर हम लोग K को अलग करके कुल मिलाकर लिखे तो ये एक लाइन प्लस में ये दोनों मिलाकर के एक लाइन अगर बनाए, ये लाइन इधर से जाता है ये और ये, तो ये दोनों मिलाकर एक लाइन, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं 11, ठीक। L के बारे में हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए L को हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं L, तो इसमें सबसे पहले ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो हम लोग याद रख सकते हैं कि L 12, एक लाइन ये और ये दोनों लाइन मिला करके, मैं M से मैं तेरा यानी मैं तेरा, गाना है ना मैं तेरा तू मेरी, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, M 13 मैं तेरा, ठीक, मैं तेरा, ठीक। अब N के लिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस लाइन पे इस तरह से घुमाकर हम लोग 4 लिखते हैं इस तरह से 4, तो इस तरह से एक लाइन और ये 4 यानी कि 14 ये हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, कुछ ऐसा है जिनको आपको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास भी करना है, ठीक। O के लिए हम लोग इजोटी से 15 जानेंगे, और P के लिए देखिए, और P को भी हम लोग पलट देते हैं तो ये भी 6 हो जाता है और ये 1 यानी 16। अब Q के लिए देखिए, Q के लिए भी हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, Q के अंदर से कुछ ये इस तरह से 7 निकल के आता है तो 1 7, ठीक, ये हम याद रखेंगे। R के लिए, R का फर्स्ट लाइन ये रहा, और अगर मैं इसको मिला दूँ इसे तो ये क्या हो जाता है 18, तो R से मैं 18 याद रख सकता हूँ, ठीक। S के लिए देखिए, S के लिए 1 तो हमें रखना ही है हमेशा, और इसको मैं अगर इस तरह से मिला दूँ तो ये क्या हो जाता है 19, तो S का 19। और T20, ठीक, जैसा कि आप लोग T20 मैच भी सुने होंगे, और वैसे भी इजोटी से टी का हम लोग याद रख सकते हैं 20, ठीक। देखिए, अब देखिए यू 21 है, जो कि अंडर 21 यानी अंदर 21 यानी हम लोग जो है कितने एज के हैं, अंदर 21 के, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं अंदर 21 यानी यू 21। अब देखिए भी के लिए, भी में एक लाइन ये और एक लाइन ये, भी में कुल मिला के कितना लाइन, 2 लाइन, तो भी के लिए 2 लाइन है, तो 2 लाइन और इसके साथ और एक 2, तो 2 लाइन, तो भी का हम लोग याद रख सकते हैं इस तरह से
W के लिए हम लोग ले सकते हैं V23, इस तरह से याद रख सकते हैं V23। और X, Y, Z का तो हर आदमी को याद ही होगा, ठीक। और वैसे भी Y इजोटी से आ जाएगा और X का 24 हम लोग किसी तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि X, Y, Z और इधर ABCDE, इतना तो हर किसी के पास याद होता है, इतना तो हर किसी के पास नॉलेज होता है, ठीक। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।